मेरा नाम है रुबिर और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चल ले हुए। हम सभी को पता है कि पिछले साल अटल टनल की इनॉग्रेशन हुई, बट मुझे इंतजार था हैवी स्नोफॉल का, जब मैं आपको दिखा सकूं अटल टनल की नेचुरल ब्यूटी को, वो भी मेरे अपने खास स्टाइल में। मनाली सीरीज के सेकेंड एपिसोड में टनल को क्रॉस कर हम एक्सप्लोर करेंगे टनल की नॉर्थ एंड की स्नो से ढकी नेचुरल ब्यूटी को और देखेंगे कि कैसे बनते हैं बादल सीधे स्नो से। लाहौल वैली अभी तक विंटर्स में एक्सप्लोर नहीं हो पाई थी, और वो भी स्नोफॉल के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है अटल टनल में कि लाखों लोग इसे देखने के लिए जा रहे हैं, या कुछ और है टनल के उस पार जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रहा है। तो मनाली सीरीज का सेकेंड एपिसोड देखने मेरे साथ चल ले ओए। सोलह नवंबर को मनाली में हैवी स्नोफॉल हुई, जिसको मैंने अपनी सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया, बट एक ही दिन में सिटी की सारी स्नो मेल्ट हो चुकी थी और आज खिली ये प्यारी सी सुबह, जिसमें पहाड़ों की गोदी में लिपटकर सोई हल्की हल्की धुंध अलसाती हुई अभी घाटी के बीच ही डोल रही थी। जल्द ही सूर्य भगवान ने अपने दर्शन से पूरी घाटी में जैसे नवजीवन के रंग बिखेर दिए। तो गुड मॉर्निंग, आज खुल गया थोड़ा सा मौसम। कल जब हमने जाने की वहाँ पर कोशिश की थी अटल टनल की तरफ, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि रास्ते पूरे पूरे ब्लॉक थे, हमें सोलांग वैली से ही वापस आना पड़ा। सो आज अभी मैं दोबारा से जा रहा हूँ टनल की तरफ। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, रास्ता खुल सकता है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है एंड इट्स ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। So, let's go and ride. और मेरे साथ चल दिए और भी हजारों लोग, और जाना बनता भी था क्योंकि कल सभी को सोलांग वैली से ही दिल छोटा कर आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा था। मुझे इस वैली की एक बहुत ही खास बात लगी कि अभी एक दिन का ही डिफरेंस हुआ है और पूरी की पूरी वैली में जैसी धूप आई, ऑलमोस्ट 80-90% की जो बर्फ थी वो पिघल गई है। इस टाइम इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, मतलब फील गुड वाली फीलिंग आ रही है यार, मतलब मजा ही आ गया है। तो अभी रास्ते में थोड़ी देर के लिए मैं रुका हूँ, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि रोड्स के दोनों साइड अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ है। रोड ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, बट ये जो आसपास के पहाड़ हैं ये देखिए, जो फ्रेश स्नो अभी गिरी थी उससे भरे हुए हैं। साइड के व्यू इतने सुंदर हैं यार, मतलब जस्ट अमेजिंग, और बर्फ के साथ में तो यार बात ही अलग है कुछ। अटल टनल के रास्ते को चारों ओर बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया है, और बर्फ पड़ने के बाद तो इसकी सुंदरता लाजवाब हो जाती है। अटल टनल दो टेरेन्स को डिवाइड करती है। इस तरफ के पाइन ट्री से ढकी वैली अटल टनल को क्रॉस करते ही बिल्कुल बैरन हो जाती है, जहां आपको सिर्फ कुछ ही पेड़ पौधे नजर आएंगे, बाकी मिलेगी तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जैसे जैसे मैं टनल के पास जाता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन और बेताबी दोनों बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार मैं वहां पहुंच ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और इस नजारे को देखकर मैं दंग रह गया।
टनल इतनी सुंदर बनी हुई है। वाओ, अरे यार इसकी लोकेशन इतनी प्यारी है यार, जैसे as soon as you enter, it is just breathtaking. Wow. अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर टनल है जो कि 12 महीने अब खुली रहेगी, जो कि मनाली को लाहौल वैली से कनेक्टेड रखेगी। ये स्पेशल टेक्निक से बनाई हुई टनल एक टेक्निकल मास्टरपीस है जो कि दुनिया की 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई सबसे लंबी टनल है। इसमें ड्राइविंग का अनुभव एक मस्त हवा में उड़ते पंछी के रास्ते जैसा है, जिसमें ना कोई मोड़, ना कोई रुकावट और ना ही कोई खतरा है। यार ये टनल खत्म ही नहीं हो रही है, मतलब कब से चली जा रही है? बिल्कुल, ये टनल काफी लंबी है और 40 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट की वजह से इसको पार करने के लिए कम से कम 15 मिनट का तो आराम से समय लगेगा। बट ओवरऑल यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। सो ये था व्यू टनल तक का, अब देखते हैं टनल के बाद का व्यू। मिलते हैं लाहौल वैली में। चले ओए। सो आखिर 15 मिनट के बाद में नाउ वी आर आउट ऑफ दैट टनल एंड द एक्सपीरियंस इज जस्ट वाओ। जी हाँ, जैसे ही आप टनल से बाहर निकलेंगे एक बहुत बड़ी बर्फ से ढकी घाटी अपने पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के साथ बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द टनल एंड एज सून एज यू कम आउट ऑफ द टनल द व्यू इज जस्ट वाओ। यहाँ से ब्यास रिवर बह के जा रही है और उसका पानी एकदम ब्लू है, एकदम ब्लूइश ग्रीन सा, इतना सुंदर लग रहा है यार ये। और पूरी की पूरी वैली जस्ट पूरी स्नो से ढकी हुई है। ऊंची ऊंची चोटियों पर वैनिला आइसक्रीम की तरह जमी ये बर्फ कुछ अलग ही लग रही थी। मैं सच में इस नेचुरल ब्यूटी को देखकर दंग रह गया और फिर मेरा ध्यान गया एक अनोखे अजूबे पर। नई पड़ी बर्फ बहुत हल्की होने के कारण सीधे तेज हवाओं में उड़कर आसमान में मिलकर बादल बना रही थी। शायद पहाड़ों की चोटियों पर बादल ऐसे ही बनते हैं। मेरी जहां भी नजर जा रही थी उसी चोटी पर ये नेचुरल फिनोमेना मेरी आंखों के सामने हो रहा था, जिसने मेरी इस विजिट को हमेशा के लिए मेरी मेमोरीज में गहरा छाप दिया। धीरे धीरे मैं भी टनल के साथ बने काफी बड़े ग्राउंड की तरफ बढ़ चला, जहां लोग फ्रेश पड़ी स्नो के मजे ले रहे थे, जिसके बिल्कुल साथ में से ही चंद्रभागा नदी अपनी मौज मस्ती में बहती जा रही थी। बस यही खेल खेलने लोग यहाँ पर आते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े सभी के सभी स्नो फाइटिंग में लगे हुए थे। कहीं भी ऐसी जगह खाली नहीं थी जहाँ ये बर्फ की चुलबुली सी लड़ाई ना लड़ी जा रही है। और मोस्टली शिकार बन रहे थे पापा, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड या गहरे दोस्त। यही समय होता है जब हम बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और मेरे ख्याल से बनना भी चाहिए। वहीं कुछ लोग पास ही से बहती चंद्रभागा नदी के पास मजे ले रहे थे, तो कुछ अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स को आजमाने के लिए सीधे पहाड़ पर स्नो ट्रैकिंग की कोशिश में लग गए। -4 डिग्री टेम्परेचर में मेरे हाथ जम गए थे, जबकि सूरज की तेज धूप ने मौसम को बड़ा ही लुभावना सा कर दिया था। ये किरणें फ्रेश बर्फ पर पड़ लाखों स्नोफ्लेक्स पर स्पार्कल की तरह चमक रही थी।
चिनाब नदी के अलग अलग रूपों को इस पर बने पुल पर खड़े होकर आराम से देखा जा सकता है। कहीं ये तेज बहती है तो कहीं अपने मध्यम रूप में टूरिस्ट का दिल लुभाती है। इस पर पड़ती सूरज की किरणें तो जैसे लाखों सितारों को ही पानी में उतार देती है। और हाँ, इतनी सुंदर जगह हो तो सेल्फी या फोटो लेने वालों की स्पेशल ब्रीड भी बहुत एक्टिव हो जाती है, जो अलग अलग पोजेज में फोटो खिंचवाने में बिजी हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जिस डायरेक्शन में देखो उसी तरफ एक परफेक्ट बैकड्रॉप ऑलरेडी तैयार है। और इस मौके का फायदा मैं भी कैसे ना उठाता। आखिर मैं भी तो इसी फैमिली का मेंबर हूं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने प्यार को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब का बटन बेल नोटिफिकेशन के साथ में जरूर दबाइएगा। मिलते हैं मनाली सीरीज के तीसरे एपिसोड में, जिसमें मैं यहाँ से आगे सिस्सु विलेज की खूबसूरत वादियों को आपके लिए लाऊंगा अपने खास अंदाज में। तो इस प्यारी सी नई जगह को घूमने मेरे साथ चले ओए।